बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो कि पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में हम स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल तक पढ़ चुके थे। आज हम ये जानेंगे जो मेगा स्पोर होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और उस मेगा स्पोर से इम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है, पहले के वीडियो से आप बताइए, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, अगर ये पूरा स्ट्रक्चर देखें तो क्या है बताइए, ये स्ट्रक्चर क्या है? यह एक पिस्टिल का, या इसी को कार्पेल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो इसके थ्री पार्ट्स होते हैं कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, दिस वन इज द ओवरी। इसी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी एंड दिस कंटेन ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल। जो प्रोसेस होती है, दिस वन इज दैट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर ये जो है, दिस वन इज द इंटेगुमेंट, दिस वन इज माइक्रोपाइल, ये जो है चलाजा होता है। और इसके अंदर यहाँ पे म्यूसिलस होता है। अंदर अगर सेंटर पोर्शन देखा जाए, सेंटर पोर्शन ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड म्यूसिलस। आपको ये भी बताया जा चुका है, दिस म्यूसिलस इज द मास ऑफ सेल। क्या होता है, मास ऑफ सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स से फॉर्म होता है, और इस मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, म्यूसिलस। ये म्यूसिलस है। इधर आपको पता है माइक्रो पाइलरी जो होता है, माइक्रो पाइप। इस माइक्रो पाइलर एंड पर क्या होती हैं, जो सेल्स होती हैं, दिस सेल्स, इस एंड पर ये जो सेल्स होती हैं, यही क्या करती है, प्रोडक्शन करती है मेगा स्पोर का। थोड़ा ध्यान देना है, ये थोड़ा जो ये सेल्स हैं थोड़ा लार्ज होती हैं, दिस वन, ये थोड़ा लार्ज सेल होती है किधर, टुवर्ड्स द माइक्रो पाइलर इन। और इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, जो दिस सेल्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रो पाइलर इन हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड रिजर्व मटेरियल। तब इस सेल्स को, ये जो सेल होती है उसको बोलते हैं MMC। क्या बोलते हैं, MMC आर फुल फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज द मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल होती है। तो यहाँ पर जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, वही क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। यहाँ पे अगर हम एक सेल दिखाएं, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करती है, ये दिस वन अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। आपको पता है माइटोसिस एंड मियोसिस आर द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो यहां पे ये मियोटिक डिवीजन करता है और फॉर्म करता है टू सेल्स फॉर्म करती है। जो सेल फॉर्म होती है हैप्लॉयड नेचर की होती है। फिर क्या होता है, दिस अंडरगोज मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है और टू सेल फॉर्म करता है। इसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होता है तो इससे फॉर्म होते हैं फोर मेगा स्पोर, फोर
मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए जो एमएमसी है इससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन ही कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर फॉर्म करेगा, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, ये एमएमसी है मेगा स्पोर मदर सेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ मेगा स्पोर फॉर्म होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इन्हीं से फिर यहाँ पर आपको बताया गया ओव्यूल फॉर्म होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर देखें, यहाँ पे एक चीज और थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसमें जिस ओव्यूल की बात की गई है वो है क्या, एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बताई गई है। वैसे ओव्यूल कई तरह के होते हैं, वो किसके बेस पर, स्टेलाजा माइक्रोपाइलर और यहाँ फंकिंस, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है उसके बेस पर क्या होता है, ओव्यूल्स कई तरह के होते हैं। अगर ओव्यूल चलाजा में और ये एक ही सीध में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो वहां पर जो ओव्यूल होता है वो कहलाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली आपके सिलेबस में केवल एक ही ओव्यूल के बारे में दिया ही गया है, वो है कौन सा, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ओव्यूल आ रहा है या एनाट्रोपस ओव्यूल आ रहा है, इसमें किसी तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बताया गया, तो ये क्लियर हुआ आपका। जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, ये होता है। अब ये आपको ये भी बता दिया गया कि किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। जो न्यूसिलर रीजन होता है, न्यूसिलस जो होता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इसमें से कुछ सेल्स काफी लार्ज होती हैं एंड हैज अबंडेंट रिजर्व मटेरियल एंड देन साइटोप्लाज्म। इसमें ये होता है, फिर होता क्या है, दिस अंडरगो मियोसिस फर्स्ट और फॉर्म करेंगे टू सेल, यहाँ पे एन होगा, ये भी सभी क्या होते हैं, हैप्लोइड नंबर होते हैं, दैट इज These cells have only half set of the chromosomes. Here 2N, that is, it contain this cell, that is the megaspore mother cell or MMC, contain full set of the chromosomes. जो species में जितना एक fixed number of chromosomes होते हैं, वो इसमें पूरा set होता है। और यहाँ पर half set हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 20 chromosome होते हैं, तो इसमें half हो जाएंगे, that is 10 chromosomes रहेंगे। तो इस तरह से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर इस मेगा स्पोर से ही किसका फॉर्मेशन होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से एक मेगा स्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होता है, किसका, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और फिर किस प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक का, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर आपको पता है ये तो ओवरी हो गई, इसके अंदर ओव्यूल हो गया, यहाँ पर ये क्लियर ये है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। दिस मींस दिस वन इज द एंड ऑफ, दिस वन इज माइक्रोपाइलर एंड, और इसके अपोजिट में ये चलाजल एंड है,
क्लियर है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे यहाँ एक लार्ज सेल होती है माइक्रो पाइलर इंड, दैट इज द पोर्शन ऑफ द म्यूसिलस इन द माइक्रो पाइलर इंड हैज ए लार्ज सेल। क्या होता है ये लार्ज सेल? इसमें यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया, ये वास्तव में है किधर? माइक्रो पाइलर इंड, माइक्रो पाइलर इंड की तरफ है। तो दिस माइक्रो पाइलर इंड यानी इसी साइड में एक लार्ज सेल होता है विच हैव अबंडेंट रिजर्व मटेरियल डेंस साइटोप्लाज्म एंड दिस वन इज कॉल्ड एमएमसी। इसको क्या बोलते हैं? एमएमसी होता है, दैट इज मेगा स्पोर मदर सेल। इसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। दिस मेगा स्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर अंडरगोज मियोटिक फर्स्ट, ये मियोटिक फर्स्ट दैट इज मियोसिस फर्स्ट, और ये फॉर्म करता है ये टू सेल्स होता है, ये दो सेल फॉर्म किया। यहां पे ये डायड का फॉर्मेशन है, डायड मेगास्पोर, डायड और डायड मेगास्पोर दो सेल फॉर्म करते हैं। और फिर यहां पर फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है, मियोसिस सेकंड, और फिर ये और ये टोटल कितने? फोर मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, फोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। Here this process is called megasporogenesis. Here this process, that is formation of megaspore from the MMC, that is megaspore mother cell, is called megasporogenesis. ये process clear हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो चार cell form हुए, four cell form हुए, इन four cell में जो वन सेल होता है, वन मेगास्पोर जो होता है, दिस वन इज फंक्शनल, केवल एक ही क्या होता है? फंक्शनल होता है। एंड थ्री मेगास्पोर degenerate। ये यहां पे केवल एक ही, इन चारों में से एक फंक्शनल होता है और थ्री क्या हो जाते हैं? degenerate हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यहां पर ये जो दिखाया गया, ये टोटल जो फिगर है, एक ये मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, दिस वन इज फंक्शनल मेगा स्पोर। इससे ये फॉर्म हो रहा है दिस वन, ये क्या है? दिस वन इज इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक, और इट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। यहां पे जो ये मेगास्पोर है, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें होता क्या है? ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब न्यूक्लियस रैपिडली डिवाइड होता है और डिवाइड हो करके क्या करता है? टू सेल फॉर्म करता है। यहाँ पे आपको पता है कि ये माइक्रोपाइलर इंड, ये भी ये प्रोसेस सभी माइक्रोपाइलर इंड में की तरफ ही होते हैं। दिस वन यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक माइक्रोपाइलर इंड की तरफ ही प्रोसेस होता है। तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ ही क्या होता है? दिस वन न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर के दीज न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल,
मतलब एक इस साइड में चला जाता है और एक इस साइड में, मतलब एक माइक्रो पाइलर इंड की तरफ रहता है, दूसरा चलाजल इंड की तरफ चला जाता है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, दिस वन इज द माइक्रो पाइलर इंड, माइक्रो पाइलर इंड आपको पता है, दिस वन इज कॉल्ड चलाजा, तो दिस इंड इज कॉल्ड चलाजल इंड, चलाजल इंड। इस साइड में जिधर ओपनिंग होती है वो माइक्रो पाइलर इंड होती है, दूसरा साइड क्या होता है चलाजल इंड होता है। तो जो प्रोसेस होता है ये डिवीजन वह किधर होता है, एट माइक्रो पाइलर इंड। तो फिर ये मूव कर जाता है, इसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये फिर डिवाइड होता है, मतलब सेकंड टाइम ये डिवाइड होगा, न्यूक्लियाई ये और ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं ये डिवाइड हो करके 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई, देन 4 से क्या होता है 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वास्तव में ये प्रोसेस जो हो रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब यहाँ पे हमको ये जान लेना है कि वास्तव में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, क्योंकि जो एक सेल होती है डिवाइड होती है, सेल में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, देन आफ्टर डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स जैसे एक ये सेल है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, न्यूक्लियाई केवल डिवाइड होते रहते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। और फिर क्या होता है, जब 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पर ये तो माइक्रो पाइलर इंड ही है, पाइलर इंड, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो करके सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इनमें से टोटल जो न्यूक्लियाई हुए वो टोटल कितने हुए, 8 न्यूक्लियाई हुए। देखिए यहाँ पे फिर ये इस तरह से जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं उस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं वो माइक्रो पाइलर इंड की तरफ और 3 न्यूक्लियाई चलाजल इंड की तरफ हो जाते हैं। इनमें से ये जो 6 न्यूक्लियाई हैं, उन 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, केवल 2 को छोड़ करके, यानी कि 2 जो होते हैं सेंट्रल सेल में होते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल जो सेल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पे उल्टा दिया गया है, ये है चलाजल इंड और इधर वाला जो है ये माइक्रो पाइलर इंड है, माइक्रो पाइलर इंड। तो जो चलाजल इंड है उसकी तरफ ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर के सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये इस तरह से, और इन सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और जो माइक्रो पाइलर इंड होता है वहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ और उसमें एक तो फॉर्म होता है, वन इज एग सेल एंड दीज टू आर सिनर्जिट्स, सिनर जेट्स होते हैं, 2 सिनर्जिट्स होते हैं, एंड 1 एग सेल प्लस 2 सिनर्जिट्स आर कॉल्ड एग एपरेटस। एग एपरेटस क्या होता है, एग एपरेटस होता है। और ये जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं इन न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई।
ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेंट्रल सेल में। ये देखिए ये पूरा बड़ा सा सेल है, सेंट्रल सेल में ये दो न्यूक्लियाई होते हैं, और क्योंकि इनके इनके सराउंडिंग में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ये लार्ज सेंट्रल सेल के सेंटर में रहते हैं। तो यहां पर देखें कि होता क्या है, एक जो एम्ब्रियो सेट है दिस कंटेन सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियाई। अब यहां पर इसमें जो बच रहा है एक थोड़ा सा देखते हैं, जो सिनेजिट्स होते हैं यहां पर एक सेलुलर थिकनिंग होती है, यहां पर ये जो है दिस वन इज द सेलुलर थिकनिंग, सेलुलर थिकनिंग एंड इट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। इस सेलुलर थिकनिंग को क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या रोल इसका क्या होता है? दिस वन, अगर इसका हम रोल देखें इस फिलीफॉर्म अपरेटस का, तो इसका जो रोल होता है ये क्या रोल होता है, क्या वर्क परफॉर्म करता है, इट क्या करता है, गाइड पॉलन ट्यूब, इट गाइड पॉलन ट्यूब टू इंटर इन इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक में इंटर करने के लिए पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। तो इस तरह से यहां पर एक थोड़ा सा और देखना है, आपको पता है एक सिंगल मेगास्पोर, ये क्लियर है, एमएमसी से फोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से केवल एक ही फंक्शनल होता है, अदर थ्री डिजनरेट हो जाते हैं, इट मींस वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही मेगास्पोर, यहां पर फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, यही मेगास्पोर क्या करता है, इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक को फॉर्म करता है। एक सिंगल मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो सेल। सो हियर दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक, ये टर्म आपको याद रखना है, मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। कभी कभी ये टर्म्स पूछ लिया जाता है, व्हाट डू मीन बाय मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट, तो होता क्या है, ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम ए सिंगल मेगा स्पोर, सो इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से यहां पर जो हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम एमएमसी, दैट इज The मेगास्पोर मदर सेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और फिर उस मेगास्पोरोजेनेसिस से होल एम्ब्रियो सैक और इट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट, उसका फॉर्मेशन यहां पर हम लोग देखें किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, कभी कभी मेगास्पोरोजेनेसिस को डिस्क्राइब करने को क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्या होता है जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो भी क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको इस तरह से इस फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे और ये समझ में आ जाएगा। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको समझा दे रहे हैं। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट।
देखिए आपको पता है ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी दैट इज द इन ओवेरियन कैविटी। और फिर यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया, आपको पता है माइक्रो पाइलरी की तरफ जो न्यूसिलस पोर्शन होता है दैट इज द मास ऑफ द सेल्स, इसमें एक लार्ज सेल होती है और उसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड MMCR मेगास्पोर मदर सेल, दिस अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म डायड, यानी टू मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है और फिर ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके फोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब इन फोर मेगास्पोर में क्या होते हैं, थ्री मेगास्पोर डीजनरेट एंड ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल, केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है एंड ओनली दिस मेगास्पोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है किस तरह से, यह फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करता है। आपको पता है कि इसमें जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें जो एक मेगास्पोर है यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है दिस डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो करके और फॉर्म करता है टू न्यूक्लियाई। देन आफ्टर ये दो न्यूक्लियाई जो फॉर्म होते हैं फिर इनका सिक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये पहले तो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एक चूंकि आपको पता है माइक्रो पाइलरी की तरफ ये होते हैं तो ये दोनों पोल की तरफ मूव करेंगे, एक चलाजन एंड की तरफ चला जाएगा और दूसरा माइक्रो पाइलर एंड की तरफ ही रहेगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये दो सिक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं और इससे क्या होगा फॉर्म करते हैं, पहले तो एक से दो इधर फॉर्म हुई, इधर भी दो फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर एक तुरंत बाद फिर एक और न्यूक्लियर डिवीजन होगा और इस तरह से एट सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं, एट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये फिर इस तरह से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर एंटीपोडल की तरफ तीन न्यूक्लियाई रहते हैं, दैट इज चलाजन एंड की तरफ दो जो है सेंट्रल सेंटर में रहते हैं और तीन न्यूक्लियाई जो होते हैं वह किधर रहते हैं, माइक्रो पाइलर एंड की तरफ। और इस तरह से यहाँ पर फिर ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो करके और थ्री सेल फॉर्म हो जाते हैं, मतलब सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे माइक्रो पाइलर एंड की तरफ एग सेल, इधर क्या होते हैं एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये लार्ज सेंट्रल सेल में ही रहते हैं, जो पूरा सेल था बड़ा सा उसी के अंदर एक पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने एट न्यूक्लियस होते हैं और सेल जो हुआ थ्री और एक लार्ज वाला मिला करके सेवन, इसलिए इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड। यहां पर आपको पता है वन मेगास्पोर ही डेवलप कर देता है एम्ब्रियो सैक को, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टर्म्स मेगा स्पोरोजेनेसिस और जो डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम फिर एक नए वीडियो के साथ पुनः फिर मिलेंगे।